सोलन के प्रशासनिक अधिकारी जहां कोरोना के इस संकट में दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व इस समय प्रशासनिक अधिकारियों के रास्ते में अड़चने पैदा कर रहे हैं। सोलन जिला के बुरी के समीप पड़क पंचायत में असामाजिक तत्वों ने सड़क के किनारे भारी संख्या में मरे हुए मुर्गे फेंक रखे थे, जिसकी खबर गाँव वासियों को जैसे ही लगी तो उनमें दहशत आ गई और उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। एसडीएम सोलन अजय यादव ने संबंधित विभाग के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाई। पूर्व पार्षद राजीव ठाकुर और पड़क पंचायत की प्रधान मीरा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना काल में लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने सारे मरे हुए मुर्गे देखकर सभी गांववासी बेहद चिंतित हैं और खौफ में हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ मरे हुए मुर्गे के फेंकने से संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस सारे मामले की जांच करवानी चाहिए और दोषियों को सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। हमें जो हमने अभी इसकी छानबीन की उससे ये पता लगता है कि कोई ट्रक वाले जैसे मुर्गे लेके यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो हमें लगता है कि यह आशंका है कि वही लोग, ये मुर्गे जो मरे हुए ट्रक में मुर्गे हैं, वो इन्होंने भर के यहाँ डाल दिए हैं। वैसे ये बहुत दुखद घटना है, कैसे कोरोना महामारी के टाइम में ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम इस पर लगे हैं, एसडीएम साहब भी यहाँ पहुँचे हैं, कमेटी की टीम भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी, पर इस पर हम जुटे हुए हैं। हमने सुबह ही जैसे हमारे को लोगों के माध्यम से पता लगा, लोकल लोगों के माध्यम से, कि यहाँ ऐसे ऐसे मुर्गे फेंके हैं, हमने इसकी सूचना नगर निगम को भी दी और पुलिस को भी दी इसकी सूचना। तो पुलिस का तो रवैया ये था, वो बोलते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप नगर निगम में बात कर लीजिए, मुर्गों का मामला है। उसके बाद हमने नगर निगम में बात किया, नगर निगम की टीम भी अभी तक यहीं नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारे को 2-3 घंटे हो चुके हैं इसकी सूचना देखें। तो हम आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं कि ऐसी महामारी के टाइम में कृपया करके सतर्क रहें, जहाँ भी ऐसी घटनाएँ हों वहाँ एकदम पहुँचने की कोशिश करें। मेरा नाम मीरा है, मैं पड़क पंचायत की प्रधान हूँ। हमारे को सूचित किया गया है कि यहाँ पर कुछ मुर्गे जो मार के फेंके हुए हैं, तो हमारे को जानकारी दी यहाँ के डढोक के गांव वालों ने। फिर हमने विभाग को जानकारी दी इसके बारे में कि यहाँ आओ और देखो भी यहाँ मुर्गे मार के फेंके हुए हैं, और हमें डर लग रहा है कि कहीं इन मुर्गों में कहीं बीमारी तो नहीं है। हम विभाग से यही प्रार्थना करेंगे कि वो इसकी जांच जल्द से जल्द करवाएं। जो वेटनरी के वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और हमने आगे भी अब सोच रहे हैं कि FIR करवाएं इसके बारे में, आगे भी हम आगे शिकायत करेंगे इसके बारे में ना, भी ये क्यों फेंकेंगे यहाँ पर और क्या इसमें बीमारी है कि नहीं। सर यहाँ लोग भी डरे हुए हैं कि यहाँ क्यों फेंके गए हैं, और जैसे कि आजकल वैसे भी कोरोना का कहर फैला हुआ है, तो लोग यही सोच रहे हैं कि इसमें कहीं बीमारी ना हो, और बहुत ज़्यादा खौफ है लोगों में इस बारे में। SDM अजय यादव ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंचे तो पाया कि किसी व्यक्ति के द्वारा सड़क किनारे मरे हुए मुर्गों को फेंका गया था। अब इन मुर्गों को नियमानुसार दबाया जाएगा। जहां ये मुर्गे फेंके गए हैं, उस स्थल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले। फिलहाल विभाग द्वारा मुर्गे के सैंपल भी लिए गए हैं और उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुछ देर पहले यहाँ पे स्थानीय वासियों की और पंचायत प्रतिनिधियों का मुझे फोन आया कि कुछ मरे हुए मुर्गे जो है यहाँ पे फेंके हुए पाए गए हैं। तो यहाँ पे आके देखा गया कि करीब 100 से ज़्यादा मुर्गे, जो मरे हुए मुर्गे हैं, वो अलग अलग बोरियों में भर के यहाँ पे किसी ने डंप कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पे वेटनरी विभाग से भी लोग आए हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया जो लग रहा है कि ऐसा है कि ट्रांजिट में इन मुर्गियों की मौत हो गई होगी या दब के इनकी मौत हो गई होगी, तो उसको डिस्पोज ऑफ इन्होंने करके यहाँ से वो निकल गए रात के समय में। तो अभी जो नियमानुसार जो प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और आसपास के एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। बाकी आगे की कार्रवाई जो वेटनरी विभाग द्वारा है वो की जा रही है।